अमीजा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गुजरात की जमीन पर सियासी हिस्सेदार का सवाल, पाटीदार समाज का रहा वर्चस्व। लोकसभा चुनाव में सामाजिक ताने बाने के दायरे में हर बार की तरह इस बार भी सियासी हिस्सेदारी की तलाश और जोर तोर जारी रही। राज्य की राजनीति में पाटीदार समाज का वर्चस्व हमेशा से रहा है। शेष समाज और जातियां अपने संख्या बल के आधार पर सीटें पाने की जुगत भिड़ाती रही। 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात की जमीन पर हुए लोकसभा चुनाव में 4.57 करोड़ वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बल ओबीसी जातियों का 35 से 40% है। क्षत्रिय तो ओबीसी का ही हिस्सा है और पाटीदार इससे बाहर। पाटीदारों से जब आरक्षण आंदोलन छेड़ा तो उसमें मुख्य मांग ओबीसी कोटे में शामिल किए जाने की थी। इनकी आबादी भी 18% से आसपास है। आरक्षण आंदोलन में पाटीदारों ने सामाजिक स्तर पर अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई। इसके बाद कोली पटेलों का नंबर आता है, जो संख्या बल में 15% से लगभग है। दक्षिण गुजरात की सूरत और नवसारी और सौराष्ट्र की 2-3 सीटों पर तो इनका संख्या बल 20% से करीब है। इसलिए भी इन क्षेत्र को कोली समाज ने अपने समाज के बीजेपी पीडीपी के चलते कश्मीर के हालात 190 जैसे बिगड़े सलाम सोच। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर और जम्मू कश्मीर की बारामुल्ला के रहने वाले सलमान सोज ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के जेके में झारखंड में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी अधिकतर सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुफिया रिपोर्ट होने के बावजूद सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव, वहाँ के युवाओं, आतंकवाद और कश्मीर समस्या के हल को लेकर सलमान सोजी ने लोकमत से विशेष बातचीत की है। सीएम केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपने सीएम केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आम आदमी पार्टी ने बताई बीजेपी की कायराना हरकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एक चुनावी रोड शो के दौरान थप्पड़ मारने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने सुरेश नाम के युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 के तहत एफआईआर दर्ज की है। साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हालांकि शनिवार 4 मई को सुरेश ने सीएम अरविंद केजरीवाल को उस समय थप्पड़ मारा था जिस समय वह राजधानी स्थित मोदी नगर के रोड शो कर रहे थे। युवक अभी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि सीएम केजरीवाल पर जैसे ही युवक ने हाथ चलाया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और शख्स की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश दिल्ली के कैलाश पार्क का रहने वाला है। दिल्ली सीएम को थप्पड़ मारने से पहले उसने गालियां भी दी। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम पर हुए हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कसूरवार ठहराया। सिसोदिया ने लोगों को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल को शेर का बच्चा और बीजेपी वालों को कायर दरार की। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।